हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर डिज़ाइन जिसको मैंने एक कुर्ती के बॉर्डर पे किया है। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को कोई भी साड़ी कुर्ती के बॉर्डर पे भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आपको इसके ऊपर, मैंने लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी, इस कुर्ती के ऊपर मैं ये डिज़ाइन किया है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और इस डिज़ाइन को, आप जो बॉर्डर डिज़ाइन आप देख रहे थे ना, ये उतना भी मुश्किल नहीं है। बट इसमें क्या है, छोटी छोटी फ्लावर्स भी है, तो इसमें थोड़ी बहुत आपको टाइम की ज़रूरत है। और अगर आपको इस बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन को देखना है, ये फ्लोरल डिज़ाइन को, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पेंसिल से आउटलाइन कर लेना है जहाँ हमें बॉर्डर की डिज़ाइन करना है। और कलर के लिए हमें फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स यूज़ करना है जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। यहाँ पहले प्लेट में हमें थोड़ी कलर ले लेना है। और ब्रश के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 4 नंबर की फ्लैट ब्रश। अब देखिए, ऐसे ब्रश को हल्के हाथ से आपको घुमाना है, घुमा के हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। ये बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार ये ट्राई कर रही है तो मैं आपको बोलूँगी, आप पहले एक दो बार ड्राइंग बुक के ऊपर ट्राई करिए, उसके बाद ही ड्रेस के ऊपर। अब जितना हमें वाइट कलर की फ्लावर को पेंटिंग करना है, पहले सारे वाइट कलर से हमें कर लेना है। ये भी सेम प्रोसीड्योर से करना है। अगर आप इससे थोड़ी बड़ी फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर की फ्लैट ब्रश से कर सकते हैं। उससे आपकी फ्लावर और थोड़ी बड़ी बन जाएगी। और अगर आप तो इससे छोटी फ्लावर बनाना चाहते हैं तो 4 या 2 नंबर की फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, सॉरी 2 नंबर या 1 नंबर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमें पिंक कलर से फ्लावर को पेंटिंग करना है। अब जितना हमें पिंक कलर की फ्लावर करना है, इसको पहले कंप्लीट कर लेना है पिंक कलर से। आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत ब्लार हो रही है। एक्चुअली पेंट करने के टाइम मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। यह भी देखिए, सेम प्रोसीड्योर से हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। यहाँ मैंने कॉटन के कपड़े के ऊपर, ये ड्रेस मेरी कॉटन की है तो इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास आप कोई सिल्क के ऊपर इस डिज़ाइन को करना चाहते, कोई सिल्क के साड़ी या कुर्ती के ऊपर इस डिज़ाइन को करना चाहते, या फिर ब्लाउज़ के बैक पे जो बॉर्डर होते हैं उससे भी कर सकते, उसके लिए आपको पाल मेटालिक कलर यूज़ करना होगा। अब देखिए इस फ्लावर को, देखिए इस फ्लावर को बनाने के लिए इसको ब्रश को बस ऐसे प्रेस करना है। आप देख सकते हैं, एक साइड पे प्रेस करना है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, बस ब्रश को साइड पे हमें प्रेस करना है। इसके लिए मैं 1 नंबर की फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कलर आप अपने पसंद के ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे साइड पे बस प्रेस कीजिए, बस सबकी फ्लावर कंप्लीट। जितनी छोटी छोटी फ्लावर है उसको पहले कंप्लीट करना है। अब ऐसे वाइट कलर के नीचे हमें सेरुलियन ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रोसीड्योर से ये जो छोटी छोटी फ्लावर हमने बनाई थी ब्रश के एक साइड पे, ये भी सेम बनानी है। आप देखिए, यह अभी मैं सेरुलियन ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। आप 2 कलर यूज़ कर सकते, वाइट के नीचे अलग या पिंक के नीचे अलग, दो दो अलग कलर यूज़ कर सकते। हाँ, मैं जो बोल रही थी, सिल्क के ऊपर आप रेयन सिल्क या फिर कोई भी सिल्क के ऊपर आप कर रहे हैं तो पार्ल मेटालिक कलर से आप कलर कीजिए। एक्रेलिक कलर से बिल्कुल मत कीजिए, उससे ठीक से नहीं होता है, कलर पीछे आ जाती है। अब यह जो फ्लावर है इसके लिए मैं फ्लैश टिंट कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट वाइट कलर की तरह है, बट कैमरे में ये डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट है, थोड़ी थोड़ी अलग है इससे। पार्ल मेटालिक कलर, वो भी फेविक्रिल की है, मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और उसकी कलर में बहुत ग्लिटरी शाइन है, मुझे बहुत पसंद है। उस कलर को आप कोई भी सिल्क के ड्रेस के ऊपर कर सकते हैं, सिल्क के साड़ी भी कर सकते हैं आप।
अब इस फ्लावर को और भी खूबसूरत दिखाने के लिए इसके आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटी छोटी सेम प्रोसीड्योर से हमें ये फ्लैश टिंट कलर से मैं कर रही हूँ, आप चाहे वाइट से भी कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए ये मैं पार्ल मेटालिक कलर यूज़ कर रही हूँ, अब देखिए कितनी ग्लिटरी शाइन है इसकी। पहले हमें ब्रांचेस की पेंटिंग करना है, ये कॉपर कलर है, ये सारे लीव्स में बाद में करना है हमें, पहले ब्रांचेस की पेंटिंग कर लेती हूँ अच्छे से, सारे फ्लावर्स अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही कीजिए, नहीं तो कलर हाथ पे आपको लग सकती है और हाथ से फिर ड्रेस के ऊपर लग के कलर ड्रेस एकदम खराब हो सकती है। इसको आप अपनी कोई भी साड़ी के ऊपर, साड़ी के बॉर्डर पे आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअली ये सारे डिज़ाइंस मैं खुद की ड्रेस के ऊपर करती हूँ तो कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आप कभी भी ड्रेस को मशीन वॉश ना कीजिए, कभी भी नहीं, मैं तो एक दो बार गलती से कर भी ली थी, हाँ दो तीन बार तो कर लिया था, बट कुछ नहीं हुआ थैंक गॉड। बट ऐसे हो सकता है, मैं आपको बोलूँगी आप बिल्कुल ना कीजिए। और आफ्टर पेंटिंग 24 आवर्स के बाद इसको, ड्रेस को तो ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप इसके बैक साइड पे एक बार प्रेस कर लीजिए और उसके बाद 72 आवर्स के बाद आप कभी भी ड्रेस को वॉश कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बस नॉर्मल हैंड वॉश कीजिए। यहाँ आप देखिए हमें, अब हमें क्या करना है, हमें लिप्स की पेंटिंग करना है। इसके लिए हमें टर्कोइज ब्लू कलर यूज़ करना है लिप्स के लिए, ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये कलर बहुत पसंद है, मैं ऑलमोस्ट सारी ड्रेस में ये कलर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। इस टाइप की आप लिप्स भी बना सकते हैं या फिर गोल्ड टाइप की भी बना सकते हैं, मैं दो टाइप्स की आपको दिखा रही हूँ, और ऐसे भी बना सकते हैं जिसके अंदर कोई गैप नहीं है, बट मैं यह सारे लिप्स को अंदर थोड़ी सी गैप रख के ही बनाऊंगी इस पेंटिंग को खूबसूरत दिखाने के लिए। आप एक दो लिप्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि मैंने जितना कर रही हूँ आपको उतना करना, इतना पॉसिबल नहीं होता है, एक दो ज़्यादा कीजिए एक दो कम कीजिए आप ड्रेस के अकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है। ऐसे फ्लावर थोड़ी बड़ी बनाने के लिए अब 10 या 12 नंबर की ब्रश भी यूज कर सकते हैं। और फिर भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में दो वीडियोस हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और যদি তোমরা বাঙালি হও তাহলে আমাকে কিন্তু বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো, আমার খুব ভালো লাগে তোমরা যখন আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করো। আই হোপ ইস ভিডিও আপকো হেল্পফুল লাগে, আর ভিডিও কো থোড়ি সি ভি হেল্পফুল লাগে আপকো তো প্লিজ ভিডিও কো এক লাইক জরুর কিজিয়ে, চ্যানেল কো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কিজিয়ে, আর প্রেস দা বেল আইকন ফর ফিউচার নোটিফিকেশন। है ना बहुत ही आसान। अब ऐसे हमें व्हाइट कलर से छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स करना है, ये करने से ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लग रही है, आप देखिए कितनी खूबसूरत है, ड्रेस के ऊपर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इस फ्लावर के अंदर ब्लू कलर से हमें छोटी सी पॉइंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।